चलिए इसे संबंधित प्रश्न देखते हैं प्रश्न में दिया गया है यदि कैपिटल एक्स इक्वल टू वन थ्री फाइव हो और कैपिटल वाई इक्वल टू वन टू थ्री हो तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए चलिए हल करते हैं तो x इंटरसेक्शन y का मतलब है ऐसे अवयवों को हमें लिखना है जो कि x में भी है और y में भी है तो देखिए पहली बात कि दिया गया है x इक्वल टू वन थ्री और फाइव y वन टू और थ्री तो देखिए x में एक है y में भी दो है x में तीन है और y में भी तीन है लेकिन x में पाँच है लेकिन वो y में नहीं है तो इस तरीके से एक्स इंटरसेक्शन वाई या फिर इसको पढ़ा जाता है एक्स कैप वाई भी पढ़ा जाता है ये हमें मिलेगा वन थ्री वन और थ्री वन और थ्री तो ये सिर्फ दो ऐसे अवयव हैं जो कि एक्स में भी है और वाई में भी है अगर इसे आप वेन डाइग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो पहले हम बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट यू यहाँ पर एक्स और वाई दो समुच्चय हैं इनके बीच में एक और तीन दो ऐसे अवयव हैं जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध है पांच जो सिर्फ़ और सिर्फ़ x पर उपलब्ध है और दो जो सिर्फ़ और सिर्फ y पर उपलब्ध है तो इस तरीके से हमें x इंटरसेक्शन y एक और तीन दो ही हमें ऐसे अवयव मिल रहे हैं जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध है तो इसलिए हमने लिखा है x इंटरसेक्शन y इक्वल टू वन थ्री अगला प्रश्न है यदि a इक्वल टू ए बी सी और d हो और बी इक्वल टू सी ई एफ और जी हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए तो फिर से हम वही काम करेंगे कि दिया गया है ए इक्वल टू ए बी सी और डी और बी में दिया गया है सी ई एफ और जी तो पहले दोनों में जो अवयव कॉमन है उसे हम पहचान लेते हैं ए इसमें है लेकिन बी सेट में नहीं है बी ए सेट में है लेकिन बी में नहीं है सी केवल और केवल सी यहाँ पर एक अवयव दिखाई दे रहा है जो कि ए में भी है और बी में भी है जो कि ए में भी है और बी में भी है केवल और केवल सी एक ऐसा अवयव दिखाई दे रहा है जो कि सेट ए पर भी उपस्थित है और सेट बी पर भी उपस्थित है इसके अलावा कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि दोनों में उपस्थित हो तो इस वजह से हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर सी यही एक अवयव है जो कि दोनों में उपलब्ध है असंयुक्त समुच्चय इसे विसंगित या फिर परस्पर अपवर्जी समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है असंयुक्त के लिए हम डिसज्वाइंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं डिसज्वाइंट सेट्स और परस्पर अपवर्जी ये शब्द आपको प्रायिकता सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर इसका आपको उपयोग दिखाई देगा जहाँ पर इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पर ये यह सेट्स होगा और वहाँ पर घटना होगी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानेंगे दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है वहाँ पर आप प्रायिकता के लिए उपयोग करेंगे और यहाँ पर सिर्फ आप समुच्चय के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो असंयुक्त या परस्पर अपवर्जी समुच्चय तो पहले एक वेन डाइग्राम बना लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है यू इसमें एक सेट है ए और इसमें एक दूसरा सेट है बी यदि दोनों सेट में कोई भी अवयव समान नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है तो ऐसे समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय या परस्पर अपवर्जी समुच्चय कहते हैं या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं यदि दो समुच्चय ए और बी का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो समुच्चय ए और बी असंयुक्त या विसंगित या परस्पर अपवर्जी समुच्चय कहलाते हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल टू फाइव या फिर कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो चलिए इसका एक प्रश्न देखते हैं यदि ए इक्वल टू वन थ्री सिक्स और सेट बी इक्वल टू टू फोर फाइव नाइन हो तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए तो इसका हम हल लिखेंगे दिया गया है सेट ए जिसमें तीन अवयव हैं, एक तीन और सेट B, एक दूसरा समुच्चय है यहां पर जो अवयव हैं ये है दो चार पाँच और नौ तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे अवयव जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध हो एक इसमें नहीं है तीन इस पर नहीं है छः इस पर नहीं है तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी में नहीं है और सेट बी का कोई भी अवयव सेट ए में नहीं है तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव या फिर कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ज़ीरो समुच्चयों का अंतर से हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स तो पहले हम एक वेंडाइग्राम बना लेते हैं इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है U। यहाँ पर एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B। समुच्चयों का अंतर यहाँ पर यदि हमें कहा जाए A माइनस बी निकालो तो यहाँ से अगर वेन डाइग्राम में देखें तो ये जो पूरा पार्ट है ये ए है अब इस ए में आपको बी के जो अवयव हैं उसे हटाने कहा गया है तो इस तरीके से यदि सेडेड एरिया में इस भाग को हम हटा दें तो जो हमें छायांकित भाग दिख रहा है ये ए माइनस बी को प्रदर्शित करता है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है इसे ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं मान लेते कि ए माइनस बी जो है ये एक्स है जहाँ पर एक्स जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है और ये सेट बी में बिलोंग नहीं करता एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं माना ए बराबर एक दो तीन चार पाँच और सेट B बराबर दो चार छ और आठ तो यदि हमें ए माइनस बी निकालने के लिए कहा जाए तो हम ये पहले देखेंगे कि ए और बी में कौन कौन से अवयव जो हैं उभयनिष्ठ है या फिर कॉमन है एक इसमें नहीं है दो हाँ इस पर है और इस पर भी है इसके अलावा तीन नहीं है चार हाँ, इस पर भी है इस पर भी है छः ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी है तो ऐसे अवयव सेट ए में जो कि बी में भी उपलब्ध है उसे हम हटा देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है एक तीन और पाँच तो इस तरीके से ए माइनस बी में हमें तीन अवयव मिले एक तीन और पाँच अब यदि इसे उल्टा कर दिया जाए कि हमें B- माइनस ए निकालने के लिए कहा जाए तो एक यूनिवर्सल सेट है और यह सेट A है और ये सेट B है तो B- माइनस ए यदि निकालने के लिए कहा जाए B- माइनस ए तो इसे हम कैसे क्या लिखेंगे X सच that X बिलोंग्स टू B, ये B में बिलोंग करता है लेकिन ये A में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये वाला जो छायांकित भाग है केवल और केवल यही जो है ये बी माइनस ए को प्रदर्शित करता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी माइनस ए उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में है ए पर नहीं है यहाँ पर हमें ए और बी दिया गया था यदि हमें बी माइनस ए इस प्रश्न के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो हम लिखेंगे बी माइनस ए इक्वल टू चलिए देखते हैं तो यहाँ से दो चार और छः ये तीन ऐसे अवयव थे जो कि ए में हैं और आठ इस पर नहीं है लेकिन ये बी में है तो बी में ऐसे अवयवों को हटा दीजिए जो कि सेट ए में है तो दो चार छः ये तीन अवयव हट जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अवयव रहेगा जो कि है आठ तो इस तरीके से हम दिए गए समुच्चयों का ज्ञात कर सकते हैं एक प्रश्न लेते हैं माना सेट ए तीन छः बारह पंद्रह अट्ठारह और इक्कीस इन अवयवों का समुच्चय है सेट बी चार आठ बारह सोलह और बीस ये इसके अवयव हैं सेट सी ये है दो चार छः आठ दस बारह चौदह और सोलह तथा समुच्चय जो डी है ये है पाँच दस पंद्रह बीस तो हमें ज्ञात करना है इसमें पहला प्रश्न है a माइनस बी तो देखिए a माइनस बी का मतलब है ऐसे अवयव जो केवल और केवल a में है तो हम पहले उन अवयवों को अलग कर देते हैं या पहचान लेते हैं जो कि a और b दोनों में है तो देखिए a तीन इसपे हैं लेकिन इस पर नहीं है छः सेट ए में है सेट बी में नहीं है बारह बारह जो कि सेट ए में भी है और बारह जो कि सेट बी में भी है पंद्रह सेट ए में है सेट बी में नहीं है अट्ठारह सेट ए में है सेट बी में नहीं है इक्कीस सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है तो सेट ए माइनस बी जो है उन अवयवों का समुच्चय है जो केवल और केवल सेट ए में है परंतु बी में नहीं है तो हम लिखेंगे तीन छ पंद्रह अट्ठारह और 21. तो ये अवयव केवल और केवल सेट ए में है बी में उपलब्ध नहीं है तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी निकाला इसमें दूसरा प्रश्न है ए माइनस सी तो ए और सी में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है पहले इसकी पहचान कर लेते हैं तीन इस पर नहीं है छः ये दोनों सेट पर है ए और सी पर बारह हाँ ये सेट ए में भी है और सेट सी में भी है पंद्रह नहीं है अट्ठारह नहीं है इक्कीस नहीं है तो इस तरीके से सेट ए में ऐसे अवयव जो कि सेट बी में भी है उसे हम हटा देते हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास तीन पंद्रह अट्ठारह और इक्कीस तो इस तरीके से हमने ए माइनस सी ज्ञात किया इसमें तीसरा प्रश्न है ए माइनस डी तो ए और डी में जो कॉमन है वैसे एलिमेंट्स की हम पहले पहचान कर लेते हैं ये ए है और ये डी है ए तीन जो है ए में है डी में नहीं है छः नहीं है बारह नहीं है पंद्रह पंद्रह जो कि सेट ए में भी है और सेट डी में भी है अट्ठारह इक्कीस तो इस तरीके से केवल और केवल हमें एक अवयव मिला पंद्रह जो कि डी में भी है और ए में भी है तो यहाँ पर हमें ए माइनस डी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे तीन छ बारह अट्ठारह और इक्कीस तो इस तरीके से हमने ए माइनस डी निकाला इसमें चौथा प्रश्न है बी माइनस ए अब बी में जो अवयव है उसमें कितने अवयव ए के हैं उसे हम हटा देंगे तो चलिए अभी हमारे पास बड़ा जो सेट है वो बी है जिसमें से हमें ए को घटाना है तो यहाँ पर चार आठ बारह बारह केवल एक अवयव हमें दिखाई दे रहा है जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है और हमें निकालना है बी माइनस ए तो यहाँ से हम बारह को हटा देंगे तो जो शेष अवयव बच रहा है चार आठ सोलह और बीस ये जो है ये बी माइनस ए को प्रदर्शित करेगा इसमें पांचवा प्रश्न है सी माइनस ए सी माइनस ए तो सी और ए में जो अवयव कॉमन है उसे हम पहले पहचान कर लेते हैं तो छः जो है वो ए में भी है और सी में भी है बारह जो कि ए में है और सी में है और इसके बाद और कोई अवयव नहीं है जो कि दोनों पर उभयनिष्ठ हो तो सी माइनस ए तो सी में ऐसे अवयव को हम हटा देंगे जो कि ए में अपर भी उपलब्ध है तो 6 और 12 को हम नहीं लिखेंगे तो उसके अलावा जो अवयव है वो क्या है दो चार आठ दस चौदह और सोलह तो इस तरीके से हमने सी माइनस ए निकाला छठवा प्रश्न है डी माइनस ए तो डी और ए में जो अवयव उभयनिष्ठ है उसकी हम पहले पहचान कर लेते हैं पाँच इस पर नहीं है दस इस पर नहीं है पंद्रह पंद्रह इस पर भी है और ये इस पर भी है बीस नहीं है तो इस तरीके से हमें पंद्रह ही एक ऐसा अवयव मिला है जो कि ए पर उपलब्ध है तो डी माइनस ए इस पर हम लिखेंगे पाँच दस और बीस अब सातवां तो प्रश्न है बी माइनस सी बी माइनस सी बी और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसकी हम पह, हमें पहले पहचान करना है बी ये चार है जो कि सी पर भी है आठ चार में ये बी में भी है और सी में भी है बारह जो कि बी पर भी है और सी पर भी है सोलह जो कि बी पर भी है और सी पर भी है तो इस तरीके से बी माइनस ए तो यहाँ पर सिर्फ एक अवयव बच रहा है जो कि है बीस तो इस तरीके से हमने b माइनस सी को ज्ञात किया अब इसमें आठवां प्रश्न ज्ञात करते हैं b माइनस डी तो b में d को घटाना है ये b है और ये d है चार इसमें नहीं है आठ इस पर नहीं है बारह इस पर नहीं है सोलह इस पर नहीं है बीस केवल और केवल बीस ऐसा अवयव है जो कि b और d में दोनों में है बी बी माइनस डी करेंगे तो यहां पर हमें चार अवयव मिलेगा जो कि है चार आठ बारह और सोलह तो इस तरीके से आप समुच्चयों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं अब देखते हैं पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं मान लेते हैं कि ये सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट U यू है और यहाँ पर एक सेट है A। यदि A एक समुच्चय है तथा U एक समष्टि समुच्चय है तो U उन अवयवों का समुच्चय है यदि A एक समुच्चय है तथा U एक समष्टि समुच्चय है तो U- माइनस ए U- माइनस ए या फिर इसे a डैस से भी दिखाया जाता है और इसे c ऑफ a या कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ a से भी प्रदर्शित करते हैं यह उन अवयवों को दर्शाता है जो a पर उपलब्ध नहीं है U- माइनस ए का मतलब ये है कि यहाँ पर ये यह जो यूनिवर्सल सेट है उसमें a के अवयवों को हटा दीजिए तो यहाँ पर हम जिस भाग को छायांकित कर रहे हैं यह समुच्चय ए का पूरक कहलाएगा यह समुच्चय ए के पूरक को प्रदर्शित करेगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए या फिर ए डैश या फिर यू माइनस ए इक्वल टू Such that x सच दैट x बिलोंग्स टू u और x डज नॉट बिलोंग्स टू a तो so, u में सार्वत्रिक समुच्चय में ऐसे अवयव जो कि केवल और केवल u पर उपलब्ध है a पर नहीं इसको हम पूरक समुच्चय कहेंगे समुच्चय a का तो यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं उसमें से पहला निष्कर्ष यह है कि a और so, a डैश so, ए और ए का पूरक जो होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा दूसरा समुच्चय ए और ए का जो पूरक समुच्चय है इन दोनों के बीच में कोई भी अवयव नहीं है या फिर यह रिक्त समुच्चय है इसमें तीसरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक समुच्चय के पूरक का पूरक वह समुच्चय खुद होता है चौथा सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक फाई होता है या फिर नल सेट होता है और इसी तरीके से फाई का जो पूरक है यह यूनिवर्सल सेट होता है तो ये यहाँ से पांच महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहे हैं प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि माना U इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन है सेट ए जो है ये है एक दो तीन चार सेट बी है दो चार छ और आठ तथा सेट सी है तीन चार पाँच छ तो हमें याद करना है पहला है ए डैश अब ए डैश क्या है यूनिवर्सल सेट यू में यदि हम ए को सब्सट्रेक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा ए डैश तो यू में ए को सब्सटेक्ट करना है तो देखिए ये एक जो कि यू में भी है और ए में भी है दो यूनिवर्सल सेट में भी है और ए पर भी है तीन यूनिवर्सल सेट पर भी है सेट ए पर भी है चार यूनिवर्सल सेट पर भी है और यह ए पर भी है तो इसके अलावा जो अवयव बच गए हैं ये U- माइनस ए को प्रदर्शित करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a- डैश इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यदि हमें b- डैश निकालने कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे U- यूनिवर्सल सेट माइनस सेट b। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो कि सेट b और सेट u या यूनिवर्सल सेट दोनों पर उपलब्ध है तो देखिए दो दोनों पर है चार ये दोनों पर है छः ये दोनों पर है और आठ ये दोनों पर है तो यू में ऐसे अवयव को हम हटा देंगे जो कि बी पर उपलब्ध है तो जो अवयव बच गए यो यू माइनस बी या यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी को प्रदर्शित करेगा जो कि B है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तीन पाँच सात और नौ अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर जहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट या पूरक ज्ञात करना है तो किसी सेट का पूरक जो है वो उसमें हम यू को घटा देते हैं तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी यदि हम निकाल लेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा तो पहले हम ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लेते हैं ए और सी में कौन कौन से अवयव हैं जो कि है हैं तो देखिए एक नहीं है दो नहीं है तीन ये ए पर भी है और सी पर भी है चार ये ए पर भी है और सी पर भी है तो हमें तीन और चार ऐसे दो अवयव मिले हैं जो कि ए और सी पर उपलब्ध है तो ये यूनिवर्सल सेट है इसमें तीन और चार को अगर हम हटा दें ये तीन और चार ये दो अवयव को हटा दें तो हमें जो मिलेगा वो ए इंटरसेक्शन डी ए इंटरसेक्शन सी का डैश या फिर ए इंटरसेक्शन सी का पूरक होगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे एक दो पाँच छ सात आठ और नौ इसमें चौथा प्रश्न है ए यूनियन बी का पूरक हमें ज्ञात करना है तो इसे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी तो इसके पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए ए यूनियन बी एक दो तीन चार देखिए एक दो तीन चार सारे अभी हम लिख चुके हैं दो लिख चुके हैं चार लिख चुके हैं छः और आठ ये दो अवयव और आ जाएंगे तो ये हमें ए यूनियन बी मिल गया है अब हमें यू माइनस ए यूनियन बी निकालना है तो यू में ऐसे अवयव जो कि ए यूनियन बी में है उसे हम हटा देंगे एक दो तीन चार तो एक दो तीन चार ये ए यूनियन बी पर भी है और यूनिवर्सल सेट पर भी है छः और आठ ये दो और अवयव हैं जो कि ए यूनियन बी पर हैं तो इसके अलावा जो अवयव बच गए हैं वो प्रदर्शित करेगा ए यूनियन बी के पूरक को या ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को तो ये हमें मिलने वाला है पाँच सात और नौ तो ये तीन ऐसे अवयव हैं जो कि ए यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करते हैं पाँचवा ए डैश का डैश तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे यू माइनस ए डैश अब ए डैश हम निकाल चुके हैं पाँच छ सात आठ नौ तो यू में यू में पाँच छः सात आठ नौ को हटा दीजिए पाँच छः सात आठ नौ इसके अलावा जो बच गया ये ए डैश के डैश को प्रदर्शित करेगा और ए डैश का डैश यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें एक दो तीन और चार तो देखिए ये खुद सेट ए के बराबर है और थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि A ए डैश का डैश ए के बराबर होता है और यहाँ से ये संक्रिया लगाने से भी हमें मिल रहा है एक दो तीन चार जो कि सेट ए के बराबर है अब इसमें एक अंतिम प्रश्न है B- माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस B- माइनस सी तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में B- माइनस सी बी माइनस सी जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा दो और आठ अब U में दो और आठ को हटा दीजिए ये दो और ये आठ तो इसके अलावा जो अवयव बच रहे हैं उसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक तीन चार पाँच छ सात और नौ तो ये जो समुच्चय है ये बी माइनस सी के डैश को प्रदर्शित कर रहा है